पहले से ही तैयार थी, अभी भी तैयार है और पूरी तैयारी कर रही है। जब भी ये चुनाव होंगे हमारी पार्टी मजबूत से मजबूती से चुनाव लड़ेगी। नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। खबर बिहार को लेकर है। तेजस्वी यादव और उनकी पूरी आरजेडी इस बात की भविष्यवाणी पहले ही कर चुकी है कि बिहार में कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं, यानी कि बीच में ही चुनाव संभव है। सरकार 5 साल अपना पूरा नहीं करने वाली है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में सब कुछ बेहतर तो नहीं है, और खासकर के जब से अरुणाचल प्रदेश का जो कांड हुआ है, यानी कि जब जदयू के 6 विधायक बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद तो ऐसी ही स्थिति नज़र भी आती है। नीतीश कुमार की दूरी भी नज़र आती है जदयू में। वो एक्टिव तो हैं, लेकिन बीजेपी से एक जो दुराव है वो नज़र आता है। इन तमाम चीज़ों के बीच में दरभंगा पहुंचे हैं लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रिंस राज। प्रिंस राज ने कहा है कि बिहार में कभी भी चुनाव हो सकते हैं। तेजस्वी यादव के साथ एक तरीके से उनका बयान जो है वो बता रहा है कि बिल्कुल जो विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो ये मान के चल रही हैं कि बिहार में कभी भी विधानसभा के चुनाव संभव हैं, लिहाजा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। प्रिंस राज ने पहले क्या कुछ कहा है ये सुनिए। पहले से ही तैयार थी, अभी भी तैयार है और पूरी तैयारी कर रही है। जब भी ये चुनाव होंगे हमारी पार्टी मजबूत से मजबूती से चुनाव लड़ेगी। सर, आपके लोकसभा क्षेत्र में अशोक पेपर मिल है, उसको लेकर क्या रखते हैं? देखिए, उसको लेके हमने पूर्व में भी हमने केंद्र में लिखा था कि भाई वहाँ जो अशोक पेपर बहुत जर्जर हालत में है, वो ना के बराबर ही है। तो हमने ये आग्रह किया था कि भाई इतनी जमीन तक 400 एकड़ के करीब जमीन है, वहाँ पर अगर वो नहीं चल सकता है, उसके लिए कोई और उद्योग वहाँ लाया जाए ताकि यहाँ पर रोजगार की संभावना बढ़ाई जाए। इतना खाली जमीन पड़ा है, कुछ ना कुछ तो वहाँ होना चाहिए। तो हमने इसमें लिखित रूप से हमने दिया। और कोई उद्योग सर, हमने वही विगत एक महीने के कार्यकाल से खुश नहीं है, कोई और उद्योग लग जाए, लेकिन हमारा मुद्दा है कि वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, उनका आय बढ़े, उसके उसके सर जदयू के 6 विधायक तोड़ने के बाद बावजूद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के द्वारा किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं किया जा रहा है, क्या मानते हैं? हम तो वो टिप्पणी करेंगे ना, इसमें हम क्या टिप्पणी कर पाएंगे, आप क्या मानते हैं? देखिए, उनका है, उनका है, उनसे आप पूछे वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार दबाव में है अभी भी भाजपा के? अब वही जवाब दे पाएंगे इसका, लेकिन हमें जिस तरह का माहौल दिख रहा है कभी भी चुनाव हो सकते हैं। बिहार की बात करें तो प्रिंस राज ने इसके आगे अपना बयान देते हुए कहा है कि बिहार में चुनाव कभी भी हो सकता है, लेकिन लोजपा के बारे में जब सवाल पूछा गया कि आपकी पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही थी, सरकार बनाने का दावा कर रही थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं ऐसा और आप तो सिर्फ 1 सीट जीत पाए, इस पर उन्होंने कहा है कि हाँ, प्रदर्शन जैसा सोचा था वैसा तो नहीं हुआ, लेकिन हमारा जो मकसद था, यानी कि जदयू को कमजोर करना, हम उसमें कामयाब हुए हैं। प्रिंस राज ने आगे कहा है कि लोजपा बहुत जल्द अपनी पार्टी के विस्तार, संगठन में नए लोगों को नई जिम्मेवारी के साथ आगे काम करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात यह कि लगातार जिस तरीके से विपक्ष में खास करके तेजस्वी यादव या पूरी आरजेडी, आप कह सकते हैं कांग्रेस, ये कह रही है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं है, एनडीए के अंदर में ऑल इज वेल नहीं है और कभी भी बिहार की सरकार गिर सकती है। ऐसे पर लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष का भी ये बयान अपने आप में बताने के लिए काफी है कि विपक्ष की पार्टियां ये मान के चल रही हैं कि बिहार में किसी भी वक्त सरकार गिर सकती है और कभी भी मध्यावधि चुनाव हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार। आगमन हुआ है, उपस्थित है अभी, तो हम लोगों का सभी जितनी भी इकाई हैं अभी उन्हें फोन किया गया है और जल्द से जल्द एक नई सूची बनाई जाएगी, नए जिला अध्यक्ष का चयन होगा, सभी मजबूत साथी को जोड़ेंगे, जितने भी हमारे चुनाव में जितने भी नए लोग हमसे जुड़े, जो भी प्रत्याशी हमारे थे, उन्हें नई जिम्मेवारी दी जाएगी। और हमें खुशी है कि जिस तरीके से लोजपा आगे बढ़ रही है, काफ़ी मजबूत है। सर, विधानसभा चुनाव में लोजपा लगभग अच्छी तैयारियों के साथ मैदान में आई थी, लेकिन उस प्रकार का रिजल्ट नहीं आ पाया, क्या कारण रहा? देखिए, रिजल्ट तो आपको पता ही है, जो सरकार वर्तमान में बनी है वो सीटें कितनी किसने कितने कम आई, कितने ज़्यादा आई, आपके पास ही इसका परिणाम है। लेकिन जहाँ तक लोजपा की बात है, हम लोग ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। लोजपा अकेले मैदान में उतरी थी, किसी गठबंधन के साथ नहीं थी, कोई सहयोगी दल नहीं था, उसके बावजूद भी हमारी कितनी सारी सीटें हैं जहाँ पे हम 40-50-60 हज़ार तक हम मत लेके आए हैं, कितनी सारी सीटें हैं जहाँ 20-30 हज़ार भी हमारे आए हैं। तो पहले पार्टी होने के नाते अकेले मैदान में उतरने पे इतने सारे इतना वोट अगर एक अकेला लाता है तो ये अच्छी बात है और हमें इससे पॉजिटिव वेव मिलना चाहिए।
आगामी चुनाव जो होने जा रहा है तो ये जो आने वाले वर्षों में होगा तो उसके लिए सर किस प्रकार की तैयारी आप लोगों का है? देखिए हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं, जैसा अभी हमने बताया कि अभी भक्ति और सारी क्या भक्ति हुई है और एक नए रूप में इसका गठन होगा। जितने भी हमारे जो नए साथी हमारे से जुड़े थे, जितने भी नए लोग से जुड़े थे, मजबूत लोग जुड़े हैं, उन्हें नई नई जिम्मेवारियाँ दी जाएंगी और पार्टी को मजबूत करने का काम आगे किया जाएगा। गठबंधन की सर बात की जाए तो बिहार में गठबंधन आपकी NDA के साथ नहीं थी, केंद्र में क्या आगे रहेगा? देखिए अभी जैसा है वैसा ही है, कोई इसमें जो केंद्र में हमारा गठबंधन है उसमें कोई इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव है, लेकिन खैर वही बात है, हम अभी नई सरकार बनी है, हम उनका काम देख रहे हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई 6 महीने हम काम देखेंगे उसके बाद हम बताएंगे। अगर मध्यम के लिए आगाह हो रहा है, देखिए बिल्कुल जिस तरीके का माहौल चल रहा है हमें लगता है ये कभी भी चुनाव हो सकते हैं। आपने देखा होगा दूसरे प्रदेशों में भी राजनीतिक समीकरण बदल रहे हैं, तो बिहार में भी कभी भी चुनाव हो सकता है। सर कैलाश यादव बोल रहे हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव हो सकता है बिहार में, इसको लेकर तो अब हम भी यही कह रहे हैं, सभी कोई कह रहे हैं, माहौल जैसा होता है उसी के अनुकूल कहा जाता है और जिस तरीके का माहौल है उस हिसाब से यही लग रहा है कि जल्द से जल्द चुनाव होने वाले हैं। तो भाजपा जिस प्रकार से विधायक को तोड़ने का काम किया है, क्या मानते हैं किस प्रकार की रणनीति है भाजपा की? देखिए वो भाजपा की रणनीति है वो अच्छे से बता पाएंगे, हमारी रणनीति अलग है, आप जो वो कर रहे हैं वही आपको सही से डिस्कस कर सकते हैं।